गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ अली और अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरा बेटा का एग्ज़ाम का पेपर जमा करने के लिए स्कूल में, और सुबह से बहुत बारिश है। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है। ये देखिए, अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरा हस्बैंड पेन लेने के लिए गया है। आज का क्लाउड देखिए, पूरा अंधेरा छाया है। सुबह से बहुत बारिश था, अभी थोड़ा कम है। अभी हम लोग घर पे आ गया। बाबू नाश्ता कर लिया? निशा पूजा हो गया, खाना भी पक गया। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। आज लंच में बनेगा जीरा इलिश, इसलिए जीरा तो ज़्यादा ही जाएगा। मैं 2 चम्मच ले रही हूँ जीरा, और 2 हरा मिर्ची, आधा से भी कम हल्दी, क्योंकि फिश में भी मैं हल्दी देगा, और आधा से भी कम नमक, और मिर्ची पाउडर भी 1/2 चम्मच। तो अभी पानी देके पीस लूँगी। आधा पीसा है, इस टाइम पे मैं धनिया पत्ता ऐड कर रही, छोटा करके काट लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी दे रही हूँ और 1/2 चम्मच नमक। जीरा का पेस्ट ले रही हूँ, 3 चम्मच दे रही हूँ, और ये 2 हरा मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ऑयल दिया है 1.5 चम्मच। अभी स्टोव में मैं रख रही हूँ क्योंकि स्टीम करना है कुकर में। ऊपर से राई का ऑयल ऐड करने का है, 2 चम्मच ऐड किया है। गैस फास्ट कर देती हूँ, तो 1 सीटी होने के बाद थोड़ा स्लो रखूँगी। बन गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ और ढक को ऐसे ही रखती हूँ 5-10 मिनट। खाना खाके हो गया है और जीरा इलिश बहुत टेस्टी था। तो अभी बर्तन घिसने का है, अभी बर्तन घिस के रखते हैं तो शाम को खाना पकाने में अच्छा लगता है। तो अभी मैं बर्तन घिसूंगी। मैं मेड नहीं रखा है, मैं खुद ही करती हूँ, और कभी कभी मेरा हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, बच्चे लोग भी हेल्प कर देते हैं। पहले मेरा मेड था, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से तो मेड आना बंद कर दिया था, तो तब से मैं कर रही हूँ। बर्तन हो गया है और खाना खाने के बाद मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आज लेके आया था रसमलाई, और उसके साथ मैं लिया है दही। मैं आ गई बेडरूम में, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर शाम को आप लोग के साथ मिलती हूँ। अभी मैं मखाना बनाऊंगी। पहले मैं पीनट को रोस्ट कर लेती हूँ। एक साइड में दूध बिठाया गोपाल जी को, अभी दूध और मखाना का भोग लगाऊंगी। पीनट रोस्ट हो गया है, अभी मैं निकल लेती हूँ। अभी मैं मखाना ऐड कर रही हूँ। पहले मैं ऐसा सूखा ही रोस्ट करती हूँ, बाद में मैं बटर ऐड करूंगी, कड़ी पत्ता, जीरा और हरा मिर्च। हो गया है, मैं अभी निकल लेती हूँ। यही कढ़ाई में पहले मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, फिर हरा मिर्ची और कड़ी पत्ता। थोड़ा सा भुनने के बाद मैं बटर ऐड करूंगी। मैं अभी बटर ऐड कर रही हूँ, मखाना ऐड कर रही हूँ, तो अभी मैं पीनट ऐड कर रही हूँ। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, ठंडा होने के बाद डब्बे में स्टोर करूंगी। चाय बन गया है, अभी हम लोग सब चाय पियेंगे। दिया बत्ती भी हो गया। ए तुम लोग बाहर आ जाओ।
और डिनर में बनेगा पुनीत का करी टाइप का और पुनीत। मैं पहले पुनीत फ्राई कर लूंगी। मैं पहले से कॉर्नफ्लावर और नमक लगा के रख रखा था, फ्राई हो गया है। मैं अपनी पुनीत निकल लेती हूँ। मैं अभी जीरा ऐड करती हूँ, होल गरम मसाला। मैं अभी कांदा ऐड कर रही हूँ। कांदा मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ एक चम्मच, अदरक जीरा का पेस्ट एक चम्मच, टमाटर लिया है एक बड़ा साइज का वो भी मैं पीस लिया है, नमक ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, सुहाना चिकन मसाला आधा चम्मच, अच्छे से भूनने का जब तक इसका कच्चापन ना जाए। अभी मैं ऐड करती हूँ मलाई और काजू का पेस्ट। मैं काजू लिया है 6 पीसेस, थोड़ा सा पानी देके ढक के थोड़ा सा मसाला को पकाने का है, उसके बाद पनीर ऐड करूंगी। और भी थोड़ा पकाने का है जब तक मसाला से ऑयल अलग ना हो जाए। मसाला पक गया है तो मैं अभी पानी ऐड करती हूँ। पानी दिया है 1.5 ग्लास, तो मैं अभी ढक के पकाऊंगी। मैं अभी पनीर ऐड कर रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। बन गया है, मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बटर। मैं अभी पूरी फ्राई कर लेती हूँ। डिनर हो गया है और खाना बहुत टेस्टी था। अभी बहुत नींद लग रहा है और लड्डू गोपाल को भी मैं सुला दिया है। तो मैं वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।